नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y35 2022 वर्सेस Infinix 020 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Y35 2022 में 3 इंच जबकि 020 में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Y35 2022 में 0.32 इंच जबकि 020 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Y35 2022 में 188 ग्राम जबकि 020 में 196 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Y35 2022 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Y35 2022 में इट्स LCD जबकि 020 में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y35 2022 में 6.58 इंचेस जबकि 020 में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y35 2022 में 1080x2408 और 020 में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y35 2022 में 83.6% जबकि 020 में 85.98% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y35 2022 में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 020 में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Y35 2022 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 020 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में अननोन कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y35 2022 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 020 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y35 2022 में Adreno 610 जबकि 020 में Mali-G 57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y35 2022 में Qualcomm Snapdragon 680 और 020 में MediaTek Helio G99 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y35 2022 में अप टू 1TB जबकि 020 में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Y35 2022 में 5000mAh जबकि 020 में 4500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Y35 2022 में 2 कलर्स जबकि 020 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y35 2022 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 1,8499 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें 020 की तो वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
दोनों फोन में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 0:20 आगे है, मेन कैमरा में 0:20 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 0:20 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M33 5G है, दूसरा पोको M4 Pro है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी AWS 4 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी F23 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।